यूपी के जनपद बहराइच में कोर्ट के आदेश का हो रहा उल्लंघन। बहराइच के मैसी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत जिहुरा में माफी दाखिला रानी पुरवा में चल रही कई सालों से ईदगाह का कोर्ट में मुकदमा, अभी तक कोर्ट से नहीं हुआ कोई फैसला। इसके बावजूद विपक्षी दंग व्यक्ति अवैध निर्माण करा रहे हैं। रानी पुरवा के प्रधान प्रतिनिधि इसराइल कर रहे दबंगई, कोर्ट का किया उल्लंघन, जबकि मैसी एसडीएम का सीधा आदेश, बिना कोर्ट के न्यायालय के नहीं होगा कोई अवैध निर्माण। फिर भी कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। रानी पुरवा के प्रधान प्रतिनिधि इसराइल की दबंगई, पीड़ित अली राजा खा रहा दर दर की ठोकरें। ब्यूरो रिपोर्ट बहराइच। अली रजा का लड़का बोल रहा हूँ, जुल्फिकार अली, ग्राम रानीपुरवा जिहुरा माफी, जिला बहराइच, थाना बाउंड्री, तहसील महसी। हमारे पास एक ईदगाह थी, जो हमारे गांव में दो फिरके हैं, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है। हम देवबंदी फिरके के हैं। हमारी ईदगाह कुछ लोग दबंगई के बल पर उसको कब्जा कर रहे हैं, आज उसका निर्माण कर रहे हैं। हम थाने से लेके एसओ साहब को सूचना किए, 100 नंबर पुलिस को भी बुलाए, 100 नंबर गई, वो कार नहीं रुकाई। एसडीएम एसओ साहब को खबर किए, एसओ साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बोले मैं नहीं रुकवा सकता हूँ। फिर एसडीएम साहब को खबर किया हमने, एसडीएम साहब बोले मैं किसी निर्माण का आदेश नहीं किया हूँ जो निर्माण कर रहे हैं। फिर मैं डीएम साहब को भी खबर किया, डीएम साहब बोले मैं एसओ को फ़ोन करके रुकवा रहा हूँ, मैं एसओ साहब ने काम नहीं रुकवाया है अभी तक। तो हमको सर इसमें न्याय दिला दीजिए, काम आप बंद करा दीजिए। ये मेरे पास एसडीएम साहब का आर्डर है, जो एसडीएम साहब ने इसमें खुला लिख दिया है साफ साफ बिल्कुल कि जब तक हाईकोर्ट न्यायालय का फैसला नहीं आता है तब तक उसमें कोई दखल अंदाजी न करे, कोई कार्य नहीं कर सकता है उसमें। फिर भी इसका उल्लंघन करके एसडीएम साहब के आर्डर का और ये लोग निर्माण कर रहे हैं गुंडई के बल पर। हाँ तो सर, हमारे गांव का जो प्रधान है इसराइल और संवाददाता प्रधान है, उसकी पत्नी परवीन बानो, वो इसराइल वहाँ कुर्सी डाल के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इसको बनवा के रहेंगे, कहीं की पुलिस आ जाए हम उससे नहीं डरते, हम ये निर्माण करा के तभी मानेंगे। हमारा मुकदमा सर हाईकोर्ट में दर्ज है, ये देख लीजिए आप सर पेपर, ये मेरा मुकदमा ट्रिब्यूनल कोर्ट में दर्ज है। इसका भी वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इसका कोई मान नहीं कर रहे हैं वो लोग। एसओ साहब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एसपी साहब के वहाँ गए थे, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। तो इसमें सर मेरे को न्याय दिलाइए, ये कार किसी तरह से रुकवाइए आप। हाँ सर, विपक्षी गढ़ों का नाम है मोहम्मद असलम, और असलम का लड़का है फिरोज, और मौजूदा प्रधान इसराइल संवाददाता, और एक उसमें है जाबिर मंसूरी, ये लोग दबंगई के बल पर वो ईदगाह बना रहे हैं, लाठी डंडा लेके बैठ गए हैं, बोल रहे हैं कोई मेरे को रोक नहीं सकता है, कोई भी प्रशासन नहीं रोकेगा मेरे को। संवाददाता बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पुलिस को मैं, और प्रधान बोल रहे हैं मैं किसी को नहीं डरता हूँ, मैं मौजूदा प्रधान हूँ, कोई यहाँ आके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।